Hello, dear student. Welcome to this age group. As here we will learn about the design of RCC structural element. How the various RCC structural element are being designed and their specification are being set. We will learn here. And in this class, in this lecture, we will study about the basic introductory part of RCC. Okay. So let's start the class. Let me clear one thing here are two terminology first one is drawing and the second one is design so we are here for the design design of rcc structural element okay and with the design we also use the drawing concept here but the main objective of us our is design so what are the basic differences under drawing only the outline is plotted जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का एक आउटलाइन प्लॉट करते हैं उसका प्लान बनाते हैं उसमें एरिया के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते हैं दैट कम्स अंडर ड्राइंग। और ये बेसिकली पार्ट होता है आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का मतलब तो आर्किटेक्ट के पर्सनल्स जो वर्क करते हैं दैट इज ड्राइंग। ओके वो एरिया को सही तरीके से मैनेज करके, करके और यूटिलाइज करके और पूरा प्लानिंग करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं फिर डिज़ाइन क्या होता है तो हम इस ड्राइंग की हेल्प से इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है आर्किटेक्ट के द्वारा उसमें जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट होंगे लोड बेयरिंग एलिमेंट होंगे उनका क्या स्पेसिफिकेशन होगा उनकी क्या डायमेंसन्स होंगी उनमें कितना मटेरियल यूज़ होना चाहिए उसमें स्टील कितना यूज होना चाहिए ये सारा काम जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स अंडर डिज़ाइनिंग तो डिज़ाइन का बेसिक मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को जो कि आर्किटेक्ट द्वारा ड्रॉ किया गया है उसको जब हम फिज़िकली साइट पे लेके जाते हैं उसको बनाते हैं तो उसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए क्या स्पेसिफ़िकेशन होने चाहिए वो सारा काम हमारा डिज़ाइन के अंडर आता है और डिज़ाइन के बाद भी हम ड्रॉइंग का टूल यूज़ करते हैं डिज़ाइन के वेरियस जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम ड्राॅइंग में रिप्रजेंट करते हैं जिससे कि फ़ील्ड में वर्क करना ईज़ी हो चीज़ों को ईज़िली समझा जा सके और उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके फील्ड पर

तो पी क्या होता है पी बेसिकली सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर और वेरियस टाइप के एडमिक्सचर्स का एक कंपोजिशन होता है जो उनको कंबाइन करके हम बनाते हैं एक हार्ड मटेरियल दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट ओके अब कॉन्क्रीट के साथ अच्छी चीज़ ये है दैट प्रोवाइड इनफ़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है कंक्रीट बट एट द सेम टाइम इट इज़ पुअर इन टेंशन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें कंक्रीट से नहीं मिलती बेसिकली जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका टेन टू ट्वेल्व या टेन टू फिफ्टीन परसेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ ही कॉन्क्रीट से मिल पाती है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं जब हम डिज़ाइन में कॉन्क्रीट को यूज़ करते हैं सो इफ़ वी नीड टू डिज़ाइन एनी फ्लेक्जरल एलिमेंट अगर हमें कोई फ्लैक्जल एलिमेंट डिज़ाइन करना है फ्लेक्ज मीन बेंडिंग जब बेंडिंग आएगी तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कंप्रेशन भी होगा टेंशन भी होगा ओके सो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज़ नॉट रिलायबल एट दैट पर्टिकुलर केस जब हम कोई फ्लेक्जरल स्ट्रेंथ मेम्बर डिज़ाइन करेंगे या कोई भी मेम्बर जिसमें अदर देन कंप्रेसिव कंप्रेशन के साथ और भी कई सारे इफेक्ट या फैक्टर लग रहे हैं उस सिचुएशन में कॉन्क्रीट अकेले उस चीज़ को कैरी नहीं कर सकता ओके okay? तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे एलिमेंट ऐसे मटेरियल की जो कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन में भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे या उस मटेरियल में स्ट्रेंथ इम्पार्ट करें तो इस सिचुएशन में यूज होता है फिर आर ओके okay? कि हम कॉन्क्रीट में मेटल को या रेनफोर्सिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं तो यहाँ पे जो मेटल रेनफोर्सिंग एलिमेंट हम यूज करते हैं उसमें वो टेंसाइल में तो स्ट्रांग होगा और कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों में इक्वली स्ट्रांग होते हैं वो हमारे लिए और भी बेनिफिशियल है राइट तो इस तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आरसीसी का अब यहाँ पे हम आरसीसी में जो रेनफोर्सिंग एलिमेंट है वो बेसिकली स्टील को यूज़ करते हैं तो स्टील इज़ नॉट रेनफोर्समेंट स्टील इज़ यूज एज अ रेनफोर्समेंट ओके ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टील ही हम यूज़ करेंगे एज अ रेनफोर्सिंग एलिमेंट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्क्रीट में आर सी सी में ओके बट नाउ वट इज स्टील इज़ रिलायबल और स्टील की जो प्रॉपर्टी है बेरिस स्पेसिफिकेशन है वो सुटेबल है दैट्स वाई स्टील प्रमोनेंटली बहुत फ्रीकुंटली यूज़ की जा रही है प्रेजेंट टाइम पे। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसको रिप्लेस किया जा सके किसी ऐसे एलिमेंट से जो इससे भी इकोनॉमिकल हो और अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें बट अभी के लिए स्टील ही यूज़ की जा रही दैट्स वाई दैट इज इज अन्फोर्सिंग एलिमेंट अभी बम्बू भी uh, प्रैक्टिस चल रही है बम्बू को भी आ, उसको चेक किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में स्टील से रिप्लेस किया जा सके बिकॉज बम्बू में भी सफिसेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है पर अभी कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया गया है स्टील को बम्बू से बट कंपोजिट पैटर्न में बम्बू को यूज़ किया जा रहा है कई जगह पर कंपोजिट पैटर्न मीन्स कि हमारा कोई भी आरसीसी का एलिमेंट है मेन तो जो बार हैं आउटर बार वो हम स्टील के प्रोवाइड कर रहे हैं जो सेंट्रल के बार हैं उनको हम रिमूव करके बम्बू यूज़ कर रहे हैं तो अभी ये कंपोजिट पैटर्न में कहीं कहीं यूज़ किया जा रहा है आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट में स्टील को रिड्यूस कर पाए हम बम्बू से ओके ना वाई स्टील स्टील ही क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी हम अभी हम स्टील यूज़ कर रहे हैं तो इसकी बात करते हैं तो वाई स्टील बेसिकली स्टील एंड कॉन्क्रीट स्टील और कंक्रीट में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है दोनों में प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है एक तो ये रीजन है कि स्टील अपनी पोजीशन पे प्रॉपरली हेल्ड रहता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है दूसरा स्टील की जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ है दोनों लगभग इक्वल होती हैं स्टील जितने स्ट्रांग टेंसन में है उतने ही इक्वली स्ट्रोंग इन कंप्रेशन एंड टेंशन इसका जो मॉडल साफ प्लास्टिकसिटी होता है स्टील का टेंशन और कंप्रेशन दोनों में लगभग इक्वल होता है तो ये भी एक रीजन है अगर कहीं पे भी सडन चेंज होता है बिहेवियर का कंप्रेशन से टेंशन एंड टेंशन से कंप्रेशन सो स्टील इज़ कैपेबल टू तो कैरी इट ओके तो दैट्स वाई स्टील इज़ यूज इन आर तीसरा जो मेन कारण है दैट इज़ कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा कॉफिसेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ये कॉन्क्रीट और स्टील का लगभग इक्वल होता है ये क्या बताता है हमें कॉफिसेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर के चेंज का कितना इफेक्ट आएगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में और जब हम दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं वहाँ पर कॉफिसेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन एक बेसिक टेक्नोलॉजी थी जिसकी हेल्प से हम बहुत सही तरीके से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं उनके थर्मल बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हैं तो स्टील और कॉन्क्रीट का जो कॉफिसेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है वो लगभग इक्वल होता है तो जो भी बिहेवियर होता है टेम्परेचर चेंज जैसे से टेम्परेचर बढ़ने या घटने से दो दोनों में इक्वली होता है तो जो रिलेटिव सेटलमेंट है रिलेटिव मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है और हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब हम कोई एक यूनिट में दो दो या तीन मेंबर को मिला के एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं तो उनका बिहेवियर भी एक यूनिट मेंबर की तरह ही होना चाहिए तो वो यहां पर अचीव होता है तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से अभी हम स्टील यूज कर रहे हैं एज रेनफोर्सिंग एलिमेंट ओके अब एज अ डिजाइनर इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू नो द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वॉट वी आर गोइंग टू यूज़ नवर स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट हम डिज़ाइन करने वाले हैं और उसमें जो भी हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वी शुड भी अवेयर अबाउट दोज मटेरियल्स उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है ऑल दिस थिंग्स वी शुड नो तभी हम उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे अपने स्ट्रक्चर में सो so ये एक कंपल्सरी हो जाता है एक डिज़ाइनर के लिए कि जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट तो यहाँ पे जो हमारे बेसिक मटेरियल्स हैं दैट इज़ सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील तो इन दोनों के क्या बिहेवियर होते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किस तरह की स्ट्रेंथ मिलती है क्या इनका स्ट्रेस स्ट्रेंथ प्रोफाइल होता है किस लिमिट तक हमें इनकी स्ट्रेंथ यूज़ करना है कहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है ऑल दिस थिंग्स वी शुड नो ओके तभी हम प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ कर पाएंगे इनको अपने मटेरियल में सही तरीके से उपयोग में ला पाएंगे तो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम किस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ को सेट किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है तो फर्स्ट मटेरियल इज़ कॉन्क्रीट अब कॉन्क्रीट वी ऑल अवेयर अबाउट द कॉन्क्रीट हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही कॉन्क्रीट के बारे में क्या होता है किस तरह की प्रॉपर्टी बनती है कैसे इसको बनाया जाता है ऑल दिस थिंग्स वी वी नो ओके तो हमें पता है कॉन्क्रीट इज़ अ कंपोजिट मेंबर ऑफ़ सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर एंड एडमिक्सचर्स इनको एक प्रॉपर या प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्सन्स पर मिला के बना जो एक हार्ड मटेरियल बनता है दैट इज़ कॉन्क्रीट ओके अब कॉन्क्रीट को जब हम बनाते हैं तो सारे मटेरियल्स की बैचिंग करने के बाद इनका एक प्रोसेस होता है कॉन्क्रीट का विल डिस्कस लेटर फर्स्ट जो कॉन्क्रीट का नॉमिनेशन है जो कॉन्क्रीट को का ग्रेडिंग किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव एम फिफ्टीन लाइक दैट तो ये भी हमें पता होगा क्योंकि हम डिज़ाइन में हमें इनको इसी तरीके से मैंशन करना है तो यहाँ पर जो इस ग्रेडिंग में जो पहला लेटर है दैट इज़ एम दैट डी नॉट मिक्स एम का मतलब होता है मिक्स और जो दूसरा नंबर है यहाँ पे ये यह बताता है कॉन्क्रीट की कैरेक्ट्रिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट ट्वेंटी एट डेज या आफ्टर ट्वेंटी एट डेज क्योरिंग अट्ठाईस दिन की क्योरिंग के बाद जो भी करेक्टेस्टिक कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बताता है करेक्ट्रेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बेसिक मतलब होता है डेफिशन द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन फाइव परसेंट एस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल दिस इज अ प्रोसेस बाई विच द मेन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज सेट या क्यूब की सेट की जाती है ओके आगे हम समझेंगे करेक्ट्रेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटेल में किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि अलग अलग ग्रेडिंग के लिए ना अब अगर बात करें यहाँ पे कंक्रीट की तो कंक्रीट को बेसिकली हम दो स्टेज में कंसिडर करते हैं इफ बी टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ कंक्रीट, वी आर टू स्टेज फर्स्ट वन इज फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट और ग्रीन कंक्रीट। एंड द सेकेंड वन इज हार्ड एंड कॉन्क्रीट तो ये बेसिकली दो स्टेज होते हैं कॉन्क्रीट के दोनों स्टेज में इसके बिहेवियर को हमें मेंटेन करना होता है और तभी हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे फ्रेश कॉन्क्रीट मीन्स द तो इनिशियल स्टेज ओके बेसिकली अगर हम कॉन्क्रीट के साथ वर्क करते हैं कॉन्क्रीट को यूज़ करते हैं तो इसका जो सिक्वेंस होता है वो किसी इस, इस तरीके से होता है सबसे पहले प्रपोजनिंग की जाती है देन बैचिंग देन मिक्सिंग मिक्सिंग में वाटर ऐड किया जाता है मिक्सिंग उसके बाद हम इसको ट्रांसपा ट्रांसपोर्ट करते हैं देन इसको प्लेस किया जाता है जिस भी एलिमेंट में इसको यूज़ करना है वहाँ पे प्लेसिंग होगी इसकी एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी का कंपैक्शन किया जाएगा कंपैक्शन उसके बाद आफ्टर सर्टन टाइम क्यूरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी ओके तो दैट इज़ द प्रोसेस दैट इस तरीके से हम कॉन्क्रीट को यूज़ करते हैं प्रपोसनिंग से लेके और क्यूरिंग तक ये कॉन्क्रीट की प्रोसेस होती है अब यहाँ पे जब हम वाटर ऐड करते हैं मिक्सिंग प्रोसेस मिक्सिंग से लेके कंपैक्शन तक यहाँ का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंक्रीट के लिए ओके okay? तो वॉट क्योंकि हमें भी पता है कि सीमेंट का एक सर्टेन सेटिंग टाइम होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम तो इनिशियल सेटिंग टाइम तक हमें उसके साथ काम कर लेना है जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट जो जिस भी शेप में हमें उसके कॉस्ट करना है वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए तो मिक्सिंग से ले कर कंपैक्शन तक का जो ड्यूरेशन है कॉन्क्रीट का दैट इज़ इंपॉर्टेंट और यहाँ तक इस प्रो इस प्रोसेस में कॉन्क्रीट की जो इजनेस होती है इसके साथ काम करने की दैट इज कॉल्ड वर्केबिलिटी तो फ्रेश कॉन्क्रीट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ वर्केबिलिटी फ्रेश कॉन्क्रीट में जो हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए दैट इज़ वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी मीन्स वॉट ईज टू वर्क विथ इट मतलब कितना आसानी से हम कॉन्क्रीट के साथ काम कर सकते हैं दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड वर्केबिलिटी और ये बेसिकली अप्लाई होता है फ्रॉम मिक्सिंग टू कंपैक्शन मिक्सिंग से लेकर कम्पैक्शन तक के बीच में कॉन्क्रीट सफिसट वर्केबल होना चाहिए सफिशियंट इसमें प्लास्टिसिटी होनी चाहिए दैट्स वाई वी कैन यूज़ इट जो भी हमें शेप और साइज उसको देना है वो हम इसमें कॉस्ट कर सकें और प्रॉपर इसकी कंपैक्शन कर सकें अब वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के बेस्ट मेथड्स होते हैं हम सभी उस चीज़ों को पढ़ चुके हैं स्लम कॉन टेस्ट होता है कंपेक्सन फैक्टर टेस्ट होता है वी बी टेस्ट टेस्ट होता है फ्लो टेस्ट होता है और हर एक टेस्ट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन हैं किसको कहाँ यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है फील्ड पे दैट इज़ स्लम कॉन टेस्ट ये हम सबको पता होना चाहिए और आना चाहिए ठीक है न स्लम कॉन टेस्ट को हम फील्ड पे फ्रिकुंटली यूज़ करते हैं और वर्केबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जो भी सैम्पल हमारा होता है जो भी बैचिंग होती है उस हर एक सैम्पल की हम टेस्ट करते हैं वहाँ पर ओके सेकेंड वन इज़ हार्डनेस हार्डन कंक्रीट तो कंक्रीट को हार्डन स्टेज में कब कंसिडर किया जाता है इसके फाइनल सेटिंग टाइम के बाद जो भी इसका फाइनल सेटिंग टाइम है अगर ऑर्डनरी पोर्ट लैंड सीमेंट दैट इज टेन आवर तो उसके बाद कॉन्क्रीट को हार्डन स्टेज में कंसिडर किया जाता है ओके हार्डन स्टेज में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें भी पता है कॉन्क्रीट को हम बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हार्डन स्टेज में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रेश कॉन्क्रीट में वर्केबिलिटी और हार्डन में स्ट्रेंथ अब कॉन्क्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सेट करने का एक प्रोसीजर है जिसको हम डिटेल में समझेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह सब इन्वॉल्व रहती है वो हम डिटेल में देखेंगे बस यहाँ से बेसिक सा ये समझना है हमें कि जब हम कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ सेट करते हैं जो ग्रेडिंग होती है जैसे हम अभी बात कर रहे थे एम ट्वेंटी एम फिफ्टीन ये कैसे सेट से की जाती है तो सबसे पहले हम क्यूब की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इसमें क्या है एक 15 बाई फिफ्टीन बाई फिफ्टीन तक क्यूब बनाते हैं कंक्रीट का अट्ठाईस दिन तक उसकी क्यूरिंग होती है प्रॉपरली देन उसको हम कंप्रेशन टेस्ट उसमें कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं अंडर द यूनिएक्सियल लोडिंग तो वहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब अब एक क्यूब के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हम ओवरऑल बैच के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सेट नहीं कर सकते उसको ये नहीं बोल सकते कि पूरे बैच की यही स्ट्रेंथ होगी या फिर जितना भी कंक्रीट वहाँ पे यूज़ होगा उन सबकी यही स्ट्रेंथ होगी क्यों इसका बेसिक सिंपल सा रीज़न ये है कि कंक्रीट को एक ही साइड पे सपोज हो सकता है कि अलग अलग लेबर्स के थ्रू अलग अलग मेंबर्स के थ्रू बैच किया जाए उसकी मिक्सिंग की जाए तो हो सकता है कि प्रोपोर्शन बनाने में थोड़े बहुत वेरिएशन हो जाए थोड़ा बहुत डिफर आ जाए और इसकी वजह से कंक्रीट की मेन प्रॉपर्टी में भी थोड़ा बहुत डिफर होने के चांसेस हो सकते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना होगा तो एक क्यूब की स्ट्रेंथ से हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे ओवरऑल बैच की उतनी ही स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ पर हमें कोई एक मेन वैल्यू चाहिए अब उस मेन वैल्यू के लिए जो सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब अभी भी ये क्यूब की स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं ठीक तो यहाँ पर अप्रॉक्स हंड्रेड ब्लॉक्स हम बनाते हैं उन हंड्रेड ब्लॉक्स को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं और उनको एक ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं और वहाँ से फिर क्राइटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं अभी हमने यहाँ पर बात की कि होता क्या है द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन फाइव टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल जो लोअर फा, नाइन्टी फाइव तक जो स्ट्रेंथ है वो हम यूज़ करते हैं ठीक है ना उसके नीचे फाइव परसेंट के जो ब्लॉक हैं उनको छोड़ देते हैं तो वहां से हमें करेक्ट्रेस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है अब ये करेक्ट्रिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये भी अभी क्यूब की है लैब के डेटा पे जो लैब में टेस्ट किया गया उसी डेटा पे हम अभी ये सेट कर रहे हैं तो इसे भी अभी हम कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे अब कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे मिलती है करेक्ट्रिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ओके कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे सेट करेंगे अभी हमने ये सारा काम लैब में किया है अब जब हम फील्ड में लेके जाएंगे कंक्रीट को यूज़ करेंगे वहाँ पे वेरियस एलिमेंट वेरियस चेंजेस होंगे जैसे कि सेप का चेंज आएगा ठीक है ना यहाँ पे हमारा जो सेप था दैट इज़ फिफ्टीन बाई फिफ्टीन बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर का था फील्ड में जो भी रिक्वायरमेंट होगी बीम कॉलम जो भी एलिमेंट हम बना रहे होंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से सेप ड्रास्टिकली चेंज होगा दूसरा लोडिंग कंडीशन में भी चेंजेस होंगे यहाँ पे हमने अंडर यूनि एक्सेल लोडिंग टेस्ट परफॉर्म किया है बट फील्ड में जरूरी नहीं है कि यूनएक्शियल लोडिंग है वेरियस टाइप की लोडिंग हो सकती है बाई एक्सल लोडिंग ट्राई एक्सेल लोडिंग बेंडिंग टॉर्शन ऑल दिस पैरामीटर कैन अफेक्ट योर स्ट्रक्चर ओके स्ट्रक्चर एलिमेंट तो उन सब की वजह से सेफ फैक्टर लोडिंग कंडीशन की वजह से स्ट्रेंथ और रिड्यूस होगी तो इनको काउंटर करने के लिए बेसिकली कोड में जो हम कोड यहाँ पे लिटरेचर यूज़ uh, करेंगे फोर फाइव सिक्स आई एस फोर फाइव सिक्स यहाँ पे हमें रिकमेंड किया गया है कि इन फैक्टर्स को सेप और लोड के फैक्टर को काउंट करने के लिए 1.5 का एक फैक्टर लिया गया है अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है आगे देखेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है हमें बस एक फैक्टर है जो कि सेप और लोडिंग कंडीशन में जो चेंज आ रहा है उसको काउंटर करता है तो जो भी करेक्ट्रिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब की है उसमें इस फैक्टर उसको इस फैक्टर से डिवाइड करने पर हमें आ, करे आ, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो बेसिकली इसको हम एफ सी के से डिनोट करते हैं करेक्ट्रेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब तो यहाँ पे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो एफ सी के डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज वन पॉइंट सॉरी पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के तो एक्चुअल में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो है सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ करेक्टेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब लैब में जितनी स्ट्रेंथ हमें मिलती है फील्ड पे उसकी सिर्फ सिक्सटी सेवन परसेंट स्ट्रेंथ बचती है ओके ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सेपेप और लोड के कंडीशन में चेंजेस होने की वजह से तो एक्चुअल में जो कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज़ पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के तो जब हम फील्ड से में यूज़ करेंगे कॉन्क्रीट के तो ये वैल्यू स्ट्रेंथ की यूज़ करेंगे कॉन्क्रीट की तो इस तरीके से स्ट्रेंथ सेट किया जाता है अब यहाँ पे सेकेंड जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ स्टील ओके स्टील को यहाँ पे हम रॉड के फॉर्म में यूज़ करते हैं आर स्ट्रक्चर में स्टील को रॉड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है जब हम स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पर स्टील की प्लेट्स यूज़ की जाती हैं तो यहाँ पर हम स्टील को बार या रॉड के फॉर्म में यूज़ करेंगे अब स्टील क्या होता है स्टील बेसिकली आयरन और कार्बन का एक एलाई होता है ठीक है ना और कार्बन के परसेंटेज को वेरी करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की स्टील बनाई जाती है यहाँ पे बेसिकली स्टील की जो ग्रेडिंग है वो एफ़ और एक नंबर दिया होता है टू फिफ्टी फोर वन फाइव फाइव वन इस तरीके का एक नंबर तो ये ग्रेडिंग का तरीका होता है स्टील का हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हमें इसी तरीके से डिज़ाइन करते समय मिलेगा यह हमें आ, मेंशन करना है तो यहाँ पे जो पहला नंबर होता है वो स्टील को बताता है कि ये स्टील है आयरन है और जो दूसरा नंबर है वो स्टील की ईल्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील ओके okay? तो दूसरा जो नंबर होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ होता है तो कॉन्क्रीट को कैसे नॉमिनेट करना है सो किया जाता है और स्टील को कैसे किया जाता है हमें ये पता होना चाहिए और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी मालूम होना चाहिए अब यहाँ पे स्टील के वेरियस ग्रेड्स होते हैं लेकिन वेरियस वर्जन होते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील होती है लो स्ट्रेंथ कॉस्ट आयरन होता है डिफरेंट टाइप की तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है वो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे जो हम स्टील यूज़ करेंगे उनमें से एक तो हमारे पास होगा माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील बेसिकली इसको डिनोट किया जाता है एफ ई टू फिफ्टी से द सेकेंड वन इज एच वाई एस डी बार हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार अब यहाँ पे भी दो ग्रेड होती है एक है एफ ई फोर वन फाइव एंड द सेकेंड वन इज एफ ई फाइव हंड्रेड अगर हमें हैवी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम इस तरीके से गेट बढ़ाते जाएंगे यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ओके थर्ड वन इज़ टीएमटी ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं आजकल टीएमटी एम थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार तो ये बेसिकली तीन तरह की बार हम यूज़ करते हैं आर स्ट्रक्चर में और मैक्सिमम टाइम माइल्ड स्टील और एच यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पर टी भी यूज़ करते हैं अब इनमें अगर हम स्ट्रेच स्ट्रेंथ प्रोफाइल की बात करें स्टील की तो बेसिकली जो स्ट्रेस स्टेंट प्रोफाइल होती है माइल्ड स्टील की माइल्ड स्टील में डक्टेलिटी ज़्यादा होती है ये स्ट्रेट लाइन है ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्टेंट प्रोफाइल है 250 लेकिन यहीं पे अगर हम एच वाई एस डी की बात करें तो एच वाई डी भी जो इनिशियल स्टेज होती है सेम होती है बट स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलती है यहाँ से सपोज ये एफ ई फोर वन फाइव है और यहीं पे दैट इज एफ ई फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं स्टील की Osionfish. अलग अलग ग्रेडिंग यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो ग्रेड बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ डक्टेलिटी भी कम होती जाती है और ब्रटेलनेस नेचर आता जाता है स्ट्रक्चर एलिमेंट में स्टील में और ये चीज़ें दोनों जगह होती हैं कॉन्क्रीट के साथ भी होती है और स्टील के साथ भी होती है अगर हम कॉन्क्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल देखें तो बेसिकली नॉन लीनियर प्रोफाइल बनती है कॉन्क्रीट की इस तरीके से सपोज़ ये एम ट्वेंटी है अब अगर हम एम थर्टी फाइव की बात करेंगे इस तरीके से तो जो अल्टीमेट पॉइंट है वो सभी के लिए सेम रहता है अल्टीमेट पॉइंट की स्ट्रेंथ पॉइंट डबल जीरो टू होती है जो फे अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे मिलता है ठीक तो यहाँ पे सपोज ये एम थर्टी फाइव है अब कंक्रीट में भी अगर हम ग्रेड बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है लेकिन साथ ही साथ डक्टेलिटी कम होती जाती है और ब्रिटलनेस नेचर बढ़ता जाता है एलिमेंट में ओके तो ये बेसिक स्ट्रासिस्टन प्रोफाइल होती है तो यहाँ पे जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कितनी स्ट्रेंथ मिलती है कैसे उसको सेट किया जाता है ये सारा चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए तभी हम उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आगे डिटेल में हम समझेंगे इसको प्रॉपर्ली कि कैसे कैसे अलग अलग ग्रेड की स्ट्रेंथ होती है और कहाँ हम कैस किस को यूज़ करते हैं कौन सा रिलीवेंट होता है किस पर्टिकुलर पोजिस पॉइंट पर सब कुछ तो इस लेक्चर में इतना ही थैंक यू